अकोला के प्रभाग क्रमांक एक के सादिक नगर के नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। नागरिकों की समस्या को लेकर नागरिकों के साथ लेकर अकोला MIM में महानगर पालिका पर हल्ला बोलकर मनपा उपायुक्त से चर्चा कर निवेदन देकर सादिक नगर में सड़कें, नालियां और बोरिंग के पानी की सुविधा देने की मांग की है। उपायुक्त ने पूरी बात को सुनकर सुविधा देने का आश्वासन दिया है। निवेदन देने वालों में आसिफ अहमद खान, जावेद पठान, मोहम्मद आसिफ, सादिक नगर के सैकड़ों महिलाओं का समावेश था। नाले नहीं है, रोड नहीं है और पानी की परेशानी है। 18-19 साल से रह रहे हैं, हम कोई सुविधा नहीं अभी तक की, कोई झांकी भी नहीं देखता, कीचड़ में है कि कायमे करके कोई इतनी परेशानी है, घर टैक्स से उतना ही भर रहे हैं हम। गंदगी और नल भी अपने नाले भी नहीं है, हमारा बने सारी गली भी सही नहीं है, रोड भी बने में नहीं है, बहुत तकलीफ है। हमारे घरों में सांप घुस जाते, अभी सांप घुस गया तो उनके घर में 500 रुपए दिए निकालने के लिए, और हमारे घर के पीछे तो बहुत तकलीफ है हमारे को। बन बड़ा दोपड़ा थमा हुआ सर, आके आप देख सकते मैडम के पास में, इसलिए आए हम, हमारे को बहुत तकलीफ है सब पूरे मोहल्ले को। रोड नहीं, नाला नहीं, बोरिंग नहीं बरोबर, सरकारी बोरिंग नहीं है, बोरिंग सुधार के नहीं दे रहे, अभी नल गए तो हमारे को पानी की हो जाती तंगी। NBC न्यूज के लिए अकोला से असगर खान की रिपोर्ट।